चलिए आइए, देखिए आज हम क्या करने वाले। कुछ पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ देखिए, यहाँ पे एक टैक्सी है, एक शिप है, एक एरोप्लेन है। तो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। देर आर मेनली थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तीन तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक है लैंड यानी जमीन पे चलने वाले, दूसरा है सी यानी पानी पे चलने वाले, और तीसरा है एयर यानी हवा में चलने वाले। और इनमें हम पिक्चर जो देख रहे हैं ना, वो पहले जमाने के भी और अभी के भी हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि पहले लोग कैसे जाते थे और अब हम कैसे आराम से घूमते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो हम जमीन पर या सरफेस पे जिस पे ट्रैवल करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए होता है। जब हमें पास में कहीं जाना हो, या हमें दूर कहीं जाना हो, या थोड़ा ज्यादा दूर कहीं जाना हो और जमीन के जरिए सरफेस के जरिए जाना हो, तब तो उसे कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। जब हमें आसपास ही कहीं जाना होता है तो हम क्या चीजों का यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। अगर मम्मी ने बोला जा जल्दी से मेरे लिए फारूक स्टोर पे से कुछ सामान लेके आओ, तो आप क्या यूज करेंगे? फटाफट आप अपनी साइकिल्स निकालेंगे और आप एक जगह से दूसरी जगह, अपने घर से शॉप पे जाके फटाक से मम्मी को सामान ला देंगे, है ना। तो ये साइकिल्स भी दो तरह की है। देखिए यहाँ पे एक गर्ल साइकिल है, ये बॉय साइकिल है, ये छोटे बच्चों की साइकिल है। फिर अगर हमें थोड़ा पापा को ऑफिस जाना है तो पापा ऑफिस जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? यस, मोटरसाइकिल, है ना। मोटरसाइकिल का दूसरा नाम है बाइक। हम बाइक या मोटरसाइकिल से पापा लोग अक्सर ऑफिस जाते हैं। और पहले तो स्कूटर्स भी हुआ करती थी, है ना। मम्मी लोग भी ऑफिस जाती हैं तो वो काइनेटिक यूज करती है ना, तो स्कूटर्स भी यूज हुआ करते थे। अब उसके बाद एक और, अब हमें 3 to 4 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कार। सबके घर में कार है? जब आप लोग घूमने जाते हैं संडे के दिन तो किस में बैठ के जाते हैं? यस, बाय कार। जब हम स्कूल आते हैं या हम दूसरे शहर जाते हैं तो हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बस का। बस जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो किस क्या यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट? बस। वो स्कूल के लिए, या आप समझिए आपको यहाँ से इंदौर से बॉम्बे जाना है, पूना जाना है, लखनऊ जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? बस। फिर उसके बाद आते हैं जब हमें कुछ सामान बेचना हो, बहुत सारा सामान बेचना हो, तो या हमारी कार आ रही है, हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? सब्जियां आ रही हैं, वो ट्रक्स के जरिए आते हैं, है ना। और ये दिख रहा है आपको ट्रैक्टर? यस, ट्रैक्टर जो होता है ये हमारे फार्मर अंकल लोगों को हेल्प करता है फील्ड्स में, फार्म्स में। जब हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है और हमारे पास कार नहीं है, सपोज हम बाइक पे भी नहीं जा सकते, तो हम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? हम यूज करते हैं ट्रेन। लाइक मुझे इंदौर से लखनऊ जाना है, ओके, अब मेरे पास कार भी नहीं है, बाइक ही है, बाइक तो लखनऊ नहीं जा सकती, तो मैं कहाँ से जाऊंगी? मैं ट्रेन से जाऊंगी। ये जल्दी भी पहुंचाती है, सस्ती भी होती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेन। ये छोटी सी आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ये मेरी टॉय ट्रेन है, खेलने के लिए भी तो होनी चाहिए कोई ट्रेन। ये दिख रहा है, ये क्या है? ये ट्रैम। ट्रैम जो होती है जो रोड पे चलने वाली ट्रेन होती है, और वो सिर्फ एक, जैसे ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही डब्बा होता है बस, और वो केबल और ट्रैक के जरिए शहर के अंदर चलती है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैम। फिर जो है आपको और कुछ दिख रहा है? ओ यस, ये है टैक्सी। जैसे कार होती है वैसे कार की जगह एक और व्हीकल जिसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सी। मतलब हम फोन करेंगे, हेलो हेलो टैक्सी अंकल, मुझे राजबाड़ा ले जाएंगे। फिर वो अंकल आते हैं, हम आराम से कार में बैठ के यहाँ से राजबाड़ा जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टैक्सी या कैब। तो ये थे बेचारे बच्चों हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स। वाव, अब हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब पानी में चलने वाली जो व्हीकल्स होते हैं हम उसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले जो है हम देखते हैं बोट। बोट पहले पहले जमाने से ही बोट्स चल रही हैं। आपको पता है ऐसी लकड़ी के बनाते हैं, उसके अंदर लोग बैठते हैं, और ये जो लकड़ी दिख रही है ना, इसे रोइंग स्टिक्स बोलते थे। लोग जो है इसको हाथ से हिलाते और ये बोट आगे जाती। फिर उसके बाद जो है आए शिप्स।
जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स बनी और उसके अंदर सामान और बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर सब होता है, पता है आपको, इसके अंदर क्लब भी होता है, रेस्टोरेंट भी होती है, आप स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल भी होता है। फिर अगर हमें सामान भेजना हो तो वो भी शिप पे भेजा जा सकता है, बस उसे हम कहते हैं कार्गो शिप। सामान भेजने वाले शिप को हम क्या कहते हैं? कार्गो शिप। इसके अंदर कंटेनर्स में हम अपना सामान जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर थ्रू वाटर जब भेजते हैं वो होते हैं कार्गो शिप। ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं। फिर आया सबमरीन। सबमरीन क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? पानी के अंदर, बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं। और इसे यूज करने वाले, चलाने वाले लोग होते हैं नेवी वाले लोग, या वो लोग जो रिसर्च करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सबमरीन्स। एक यहाँ पे एक और पिक्चर देख रहा है, वो है पायरेट शिप का। पायरेट शिप मतलब वो ऐसी शिप जिसके अंदर जो है लुटेरे लोग रहते हैं। पता है आपको लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है जो भी पानी में शिप या बोट आती है उनके ऊपर हमला करके उनका सामान छीन के अपनी शिप में रख लेते हैं, उन्हें कहते हैं पायरेट्स। और वो पायरेट्स जिस शिप में ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं पायरेट शिप। ये है यॉट। आजकल के जमाने में हर इंसान जो है चाहता है कि वो अपनी कन्वीनियंस से सेल करे, अपनी कन्वीनियंस से शिपिंग करे, अपनी कन्वीनियंस से उठे। तो जब इनों की इंडिविजुअल बोट्स होती हैं जिसके अंदर उनके सारी सहूलतें होती हैं, उसे कहते हैं यॉट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी शिप्स दिख रही होंगी, कार्गो शिप्स है, बोट है, सबमरीन्स है, क्रूज शिप है, फेरी है। फेरी मतलब एक ऐसी शिप जो लोगों को एक रिवर के कॉर्नर से दूसरे रिवर के कॉर्नर के अंदर लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं फेरी। एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसी चीजें जो हमें एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर लेके जाती हैं, हवा में। अब हवा में हम तो चल नहीं सकते, तो हमें उनकी व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। पहले जमाने में लोग जो है यूज करते थे हॉट एयर बलून, देख रहे हैं आप, ये हॉट एयर बलून है ना, या एयर शिप। नीचे देखो एक शिप है और एक बड़ा सा बलून है, और एक ये ब्लिम्प, ये भी ऐसे ही होता था, बहुत बड़ा सा बलून होता था और नीचे से एक छोटी सी स्पेस होती थी जिसमें लोग बैठते थे। फिर उसके बाद आए छोटे प्लेन्स जिन्हें हम कहने लगे बाई प्लेन्स। फिर बड़े प्लेन आने लगे जिसे हम कहते हैं एरोप्लेन्स। हेलीकॉप्टर्स, ये भी जो है डॉक्टर्स, पुलिसमैन और जो लीडर्स, इंपॉर्टेंट लोग जो है, कम लोग, ए दो या तीन लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस से पहुंचना चाहते हैं, तो वह हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। और ये है फाइटर जेट। आजकल कितनी एक कंट्री दूसरे कंट्री से नाराज हो जाती, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फाइटर जेट। देन आते हैं रॉकेट्स। जब हम स्पेस में ट्रैवल करना हो, स्पेस की जाके चीजें देखनी हो, तो हम यूज करते हैं रॉकेट। और ये देख रहे हैं यूएफओ, यस, ये जो है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म है यूएफओ। जब बाहर के लोग आते हैं हमारी जगह, हमारे उधर, और फिर क्या होता है, हमको लगता है वो एलियन अंकल आ गए, तो एलियन अंकल लोग किस पे ट्रैवल करते हैं? यूएफओ पे। एक और पिक्चर आपको दिख रहा है, ग्लाइडर। पता है किसी किसी को जो है उड़ने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग हिल्स पे जाते हैं और हिल्स पे एक ग्लाइडर के ऊपर हैंग करके और हवा में जंप लगा देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइडर। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग देम। और इन सब के नाम जो है हमें वापस से रिहर्स करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ताकि हमें इन सब के नाम बताओ, क्योंकि हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं, हम ये थोड़ी बोलेंगे हमको गाड़ी में जाना है, हम बोलेंगे ऑटो रिक्शा, कार, या वी वेंट बाय ट्रेन, और आई वेंट ऑन एन एरोप्लेन। सो यू हैव टू यूज प्रॉपर नेम्स फॉर इट। ओके, सी यू देन, बाय।